आप देख रहे हैं मैक्स टेक्निकल न्यूज़ चैनल। अगर आपने मैक्स टेक्निकल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्स टेक्निकल न्यूज़ चैनल पे आपको कभी कोई फेक जानकारी नहीं दी जाएगी। आज हम बात करेंगे ABS2 सैटेलाइट। जी हाँ, ABS2 सैटेलाइट पे कौन कौन से चैनल चल रहे हैं अभी पूरी अपडेट दी जाएगी। उसके साथ में INSAT 4CR जो कि 74 डिग्री ईस्ट पे है, और GSAT-8 सैटेलाइट भी 74 डिग्री ईस्ट पे है, क्यू बैंड का सैटेलाइट है। 2 फीट की जो डिश है उस पर मैंने चैनल रिसीव किए हैं, और ABS-2 है 75 डिग्री ईस्ट पे, यानी 75 डिग्री ईस्ट पे। ये दोनों सैटेलाइट एक ही डिश पे आसानी से ट्रैक हो जाते हैं। तो मैंने 64-63 सेटअप बॉक्स में ये सैटेलाइट रिसीव किए हैं, तो इनकी चैनल अपडेट भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा चैनल स्कैन करके इसमें कितने चैनल रिसीव हुए हैं। तो सबसे पहले हम मेनू बटन दबा लेते हैं जो इंस्टॉलेशन, उसके बाद में सैटेलाइट लिस्ट। अगर आपको सैटेलाइट ऐड नहीं करना आता है सेटअप बॉक्स में, तो मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप चैनल लिंक पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो मैंने ABS2 सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इन्फो बटन दबाता हूँ सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखो LNB पावर ऑन, LNB फ्रिक्वेंसी 9750 10600 रखना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे TP, अगर TP नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर ब्लेंड स्कैन कर सकते हैं तो जल्दी हो जाएगा। अगर आप सुपर ब्लाइंड करेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पूरे सैटेलाइट स्कैन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे ब्लेंड स्कैन पे ओके कर देता हूँ, और चैनल फ्री टियर नो, क्योंकि हमें तो सारे चैनल स्कैन करने हैं, यानी पूरा सैटेलाइट स्कैन करना है, तो हमें फ्री टियर को यस नहीं करना है। यस करने के लिए राइट का बटन दबाएँ, लेकिन हमें यस नहीं करना है। TV रेडियो ऑल करना है, ओके बटन दबाएं सर्चिंग पे, तो यहाँ पे चैनल सर्च होने लग जाएंगे, पूरा सैटेलाइट ही स्कैन होगा। मैंने सैटेलाइट का नाम ABS2 रखा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो सेटअप बॉक्स में देखो क्वालिटी आ रही है यहाँ पे, ठीक है, और सैटेलाइट स्कैन हो रहा है। जी हाँ, 2 फुट की डिश, 2 फुट केयू बैंड की डिश पे, केयू बैंड के LNB पे मैंने चैनल रिसीव किए हैं। तो चैनल स्कैन अभी हो रहे हैं, ABS2 75 डिग्री ईस्ट, उसके साथ में INSAT 4CR 74 डिग्री ईस्ट, और GSAT-8 ये भी 74 डिग्री ईस्ट पे है। तो यहाँ पे 69% चैनल स्कैन हो रहे हैं अभी, जो भी चैनल होंगे यहाँ पे कंप्लीटली स्कैन हो जाएगा। अभी और चैनल आ रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैक्स टेक्निकल न्यूज़ चैनल आपका अपना चैनल है, इस चैनल पे आपको कभी कोई फेक वीडियो या फेक जानकारी नहीं मिलेगी, जो भी रियल जानकारी होगी वही इस चैनल पे आपको मिलेगा। ब्लाइंड स्कैन में जो भी TP है ना, जो भी ट्रांसपोंडर फ्रीक्वेंसी है, वो सारी स्कैन हो जाती हैं, और सुपर ब्लाइंड करेंगे तो सुपर ब्लाइंड में थोड़ा धीरे स्कैन होता है, कम्प्लीटली स्कैन हो जाता है सैटेलाइट। तो ब्लाइंड स्कैनिंग में भी स्कैन हो जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम नहीं लगता इसमें। तो अभी स्कैन हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
अभी स्कैनिंग जारी है। स्कैन करना ज़रूरी था और पूरा वीडियो दिखाना भी आपको ज़रूरी था, क्योंकि जब वीडियो कट जाता है बीच में तो पता नहीं चलता कि कौन से चैनल रिसीव हुए हैं कौन से नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने सेविंग के लिए ओके बटन दबा दिया है और जो भी चैनल मुझे रिसीव हुए हैं मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं बैक आ जाता हूँ यहाँ पर। और सबसे पहले टीवीएन चैनल है, ये ABS 2 पे है। इसकी जो ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी आप नोट कर लें, 12524 हॉरिजॉन्टल 30,000, यहाँ पे देख सकते हैं TBN। ठीक है, इसका मैं सर्विस प्रोवाइडर नाम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सर्विस प्रोवाइडर, देखो प्रोवाइडर का नाम ABS, यानी ABS सेटेलाइट पे चैनल है, आपको यकीन हो गया। ABS क्वालिटी इसकी 66% है, क्योंकि मैंने दोनों सेटेलाइट सेट किए हैं तो क्वालिटी तो कम आनी थी। अगर मैं अकेला ABS 2 करता तो क्वालिटी इसकी अच्छी आ जाती। ठीक है, उसके बाद में जी हाँ, इसी फ्रिक्वेंसी पे द चर्च चैनल है, वो भी यहाँ पे चल रहा, आप देख सकते हैं। ये है डेस्टार दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, तो डेस्टार भी यहाँ पे चल रहा है। सर्विस प्रोवाइडर नेम भी यहाँ पे ABS है, डेस्टार। ठीक है, उसके बाद में है कैनल 10 एशिया, तो कैनल 10 एशिया भी यहाँ पे चल रहा है ABS। ठीक है, इसकी जो क्वालिटी है वो MPEG-4 में है। और डेस्टार में देख लेता हूँ, ये MPEG-2 में है। ठीक है, ये MPEG-2 में है अभी। ठीक है, उसके बाद में SBN इंटरनेशनल MPEG-2 में है। CCTV HD क्वालिटी में यहाँ पे, जी हाँ। और इसकी जो ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी आप नोट कर लें, 12706 हॉरिजॉन्टल 29999। ठीक है, ये HD में है यहाँ पे। उसके बाद में है TBN 12706 हॉरिजॉन्टल 29999। ठीक है, ये भी यहाँ पे MPEG-2 में है। उसके बाद में है Hillsong, यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी MPEG-2 में है। उसके बाद में EduSat जो कि 74° ईस्ट पे है, जी हाँ। EduSat की ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी आप नोट कर लें, 11587 हॉरिजॉन्टल 4000। इसका भी मैं सिग्नल आपको दिखा देता हूँ, EduSat। ठीक है, प्रोवाइडर EduSat, 74° का चैनल है ये। सिग्नल क्वालिटी 92%, ठीक है, अच्छी क्वालिटी है। इसका नाम है पंजाब EduSat सोसाइटी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में है चैनल 97 के नाम से, इसकी ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी आप नोट कर लें, जी हाँ, इसकी ट्रांसफॉर्मर फ्रिक्वेंसी है 11666 वर्टिकल 2000। ये जो ट्रांसफॉर्मर है ना, इसकी जो सिग्नल है वो सबसे ज़्यादा हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे ज़्यादा 97। अगर आप ये अकेला सेटेलाइट 74° ईस्ट पर सेट करते हैं तो इसका 100% सिग्नल आते हैं, मैंने चेक किए हैं। अभी से 97 हैं तो 100% भी इसके सिग्नल आते हैं, मैंने चेक किए हैं। ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी आप दोबारा एक बार नोट कर लें। और मैं आपको ये बता दूं कि ये चैनल MPEG-2 में है या MPEG-4 में है, चैनल MPEG-2 बॉक्स में नहीं चलेगा। 11666 वर्टिकल 2000। ठीक, उसके बाद में है विद्यावाहिनी 11680 वर्टिकल 2966, यहाँ पे 87
परसेंट सिग्नल हैं, ठीक है। उसके बाद में है VTU, VTU की ट्रांसफॉर्मर फ्रीक्वेंसी हम नोट कर लें 11680 वर्टिकल 2966, ठीक है। ये चैनल मुझे रिसीव हुए हैं 2 फीट क्यू बैंड की डिस्पे। मैक्स टेक्निकल न्यूज चैनल आपका अपना चैनल है, इस चैनल पे आपको कभी कोई फेक जानकारी या फेक वीडियो नहीं मिलेगा। और वीडियो देखने के बाद आप जो कमेंट करते हैं ना, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।